हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स इज गिवन। आइडेंटिफाई करेक्टली एट लीस्ट टू ऑफ ए टू डी। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इस इमेज को यहाँ देखिए, थोड़ा कलर्ड फॉर्म में है ये देखिए, ये क्या है बच्चों? ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरोन। प्री सिनेप्टिक न्यूरोन अगर मैं बोलती हूँ तो आपको क्या समझ आता है? ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है। ओके, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं तो आपको क्या समझ आता है? ये क्या है? डेंड्राइट है। डेंड्राइट, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम एक्सॉन टर्मिनल की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें सिनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होती है। ओके, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? क्योंकि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है तो मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, PSM लिख दिया है इसको। इसके अंदर क्या फील्ड है? वेसाइकल्स फील्ड है। इन वेसाइकल्स को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक वेसाइकल। इन सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर क्या फील्ड है? न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। तो इनके अंदर देखिए न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं। और अगर हम देखें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तो यहां पर आपको कुछ चैनल्स नजर आ रहे हैं। ये चैनल होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ओके, ये कैल्शियम चैनल जैसे ही इंपल्स मिलता है तो ये ट्रिगर हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम कहाँ आने लगता है? अंदर आने लगता है। ये कैल्शियम फिर कहाँ बाइंड कर जाएगा? यहाँ पर, ठीक है, और ट्रिगर करेगा सिनेप्टिक वेसाइकल के रप्चर होने को। सिनेप्टिक वेसाइकल फिर यहाँ आते हैं और एक्सोसाइटोसिस के हेल्प से क्या कर देते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये सब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन की। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन पर जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पीओ लिख देते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है? ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये क्या दिखाए हैं ग्रीन कलर से? रिसेप्टर्स, ठीक है, आयन चैनल रिसेप्टर बोल दिया यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ आयन चैनल्स भी होते हैं, ठीक है। ये आयन चैनल जैसे आपको पता है सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, इस तरीके के चैनल होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर है ये कैसे रिसेप्टर है? ये कीमो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर। अब इन कीमो रिसेप्टर पर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को चेंज करवा देते हैं क्योंकि यहाँ पर सोडियम चैनल फिर हो जाएंगे ओपन, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या है, सी क्या है, आपको क्लियरली दिख रहा है किसके अंदर है? एक्सॉन टर्मिनल के अंदर है। तो ये क्या होगा? सी सिनेप्टिक वेसाइकल, सिनेप्टिक वेसाइकल। ओके, बी क्या है? बी यहाँ पर दिखाया हुआ है। बी क्या है बच्चों? या तो आप इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट ले सकते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर तो नहीं दिखाया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट ही दिखाया, ठीक है। ए क्या है? ए है रिसेप्टर, ए है रिसेप्टर, ठीक है। डी अगर देखें तो डी यहां पर दिखाया है। डी को आप क्या लेंगे? डी इज पोस्ट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, तो अब देखिए क्या दिया है। बी क्या है? सिनेप्टिक कनेक्शन। तो बी कहाँ है? ये रहा, सिनेप्टिक कनेक्शन नहीं है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ओके, डी क्या है? पोटेशियम बोला है इन्होंने, नहीं डी पोटेशियम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है, या तो ये कैल्शियम चैनल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप ये समझ रहे ना, ये न्यूरोन की मेम्ब्रेन है तो हम इसे कह देते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तो हो जाता है गलत। ए क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बच्चों, ए न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ए तो रिसेप्टर है जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। तो ये हो जाता है गलत। बी क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बी सही दिया है कि ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर, सी को क्या दे दिया है? न्यूरोट्रांसमीटर। सी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, सी वेसाइकल है, सिनेप्टिक वेसाइकल, ठीक है ना। डी कैल्शियम, तो डी कैल्शियम नहीं है, डी क्या हो जाता है? गलत, डी है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर आते हैं ए पर, ए क्या है? रिसेप्टर, बिल्कुल सही बात है, ए रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है। सी क्या है? सिनेप्टिक वेसाइकल, बिल्कुल सही, सी क्या है? सिनेप्टिक वेसाइकल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो यहां पर बन रहा है वो है ऑप्शन 4। थैंक यू।